तो है गाइस रात के बज रहे 12। अब इस वक्त मैं गाइस घर पे और आज का गाइस वीडियो थोड़ा डिफरेंट है और आज का जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ गाइस मैं अपने घर से वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मैं घर पे भी फिलहाल बैठा हूँ, रात के 12 बज रहे और आज का वीडियो का टॉपिक और हमारे साथ में गेस्ट है जो पिछले कई दिनों से मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि सचिन भाई आपने एक वीडियो बनाया तो उसके बाद से कोई वीडियो आया नहीं, तो आज वही गेस्ट में आपको मिलाऊंगा और मेरे अपने साथ में काम करते तो आज उनसे मिलाऊंगा। काफ़ी लोगों ने बार बार मुझे कमेंट किया था और मैंने बोला चलो ठीक है टाइम जैसे मिलेगा तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बट वक्त ऐसा था कि ना मुझे वक्त मिल रहा था ना उनको वक्त मिल रहा था, तो फाइनली आज का वक्त मिला और फाइनली हम मिले तो घर पर हम लोग अभी खाना पीना सब चीज़ हो गया तो अभी जस्ट फ्री है, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँ। तो मिलाऊंगा मैं आपसे अपनी ग्रुप की मतलब एक लेडीज ड्राइवर विद्या ताई। नमस्ते, मैं यहाँ पे ऑन द वे ही मैं मुझे बुकिंग छोड़नी थी तो मैं बुकिंग छोड़ी और सचिन भाव का मुझे फोन भी चालू था हमारा, तो मैंने कहा मैं भी आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ और घर पे आने के बाद खाना पीना भी फिलहाल हमारा हो गया है। बस सचिन भाव पूछ रहे थे बार बार कि वो मेरा आईडी बंद होने के बाद क्या हुआ, कैसे चालू हुआ, कितने दिन बाद चालू हुआ। माफी कर दो क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे को वीडियो में बार बार कमेंट आया था कि आपने विद्या देव को बोलने दिया कि आप ही बार बार बीच में बीच में बोल रहे थे, मैं सब कुछ नहीं मैं सवाल कर रहा था और विद्या देव को उतने में मेरे को आंसर हो रहा था तो वही चीज हो रहा था, बट आज की वीडियो में ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं क्वेश्चंस करूंगा विद्या देव आंसर देंगे और मैं चुप रहूंगा क्योंकि काफी लोगों को विद्या देव को सुनना है, मेरे को बोल दो मैं तो वापस कल सुनने वापस कमेंट आएगा कल वापस कमेंट आएगा कि आप विद्या देव को बात करेंगे, तो जो दो तीन क्वेश्चन है वो मैं विद्या देव से पूछूंगा, विद्या देव आपको उसका एकदम अच्छी तरह से आंसर देंगे क्योंकि विद्या देव से जब भी मतलब मिलने का कोशिश करते होता नहीं क्योंकि विद्या देव का कंटिन्यू आउटस्टेशन का ट्रिप रहता है और हम लोग जो है लोकल में रहते हैं, तो विद्या देव का मिलना बहुत बार हम लोग का बातचीत हुआ कि मिलेंगे मिलेंगे बट हुआ नहीं, तो आज जो भी डाउट है और फाइनली आज मिलने का वो भी रात के 12 बजे से मिले क्योंकि टाइम भी निकलते नाइट में और आज के दिन तो मैंने आपने मेरा वीडियो देखा होगा मैं निकला था डे में बट इतना कुछ मिलकर सुबह नहीं, इसलिए बोला चलो ताई से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, ताई को आज घर पर बुलाया था, बोलो चलो ताई घर पर आ जाओ, उन्होंने साथ में खाना पीना खाया, मैं बोला एक वीडियो बदल बनाएंगे ताकि जो हमारे वीडियो से सब्सक्राइबर पिछले कई दिनों से उनके मन में जो डाउट्स था वही आज के वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा और ताई उसका आंसर देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा इस चैनल पे ने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना और इंस्टाग्राम पर अपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, तो करते हैं आज की वीडियो को कंटिन्यू। सबसे पहले ताई से स्वागत है हमारे सेकेंड टाइम यूट्यूब चैनल पे क्योंकि एक बार अगर ताई ने बोलना चालू किया तो ना ताई रुकते ना मैं रुकते तो हम दोनों वैसे ही एक बार अगर उनको बात चालू कर दिया तो हम लोग दोनों नहीं रुके, बट आज के दिन मैं रुकूंगा और ताई बात करेंगे ठीक। तो सबसे पहले तो ताई मैं ये पूछना चाहूँगा जो आपका बीच में आईडी बंद होता सबसे पहले तो आप रीजन बताइए कि आपके साथ में उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये जानना है कि आप लेडीज ड्राइवर होने के बावजूद भी आपका ओला ओला ने आपका आईडी बंद किया। गरवारे के आगे हम लोग आते हैं तो जैसे ही लेफ्ट साइड में बॉम्बे के साइड जाते वक्त राइट साइड में और नासिक जाते वक्त लेफ्ट साइड में एक सीएनजी पंप है बहुत बड़ा है लेकिन वो भी बंद हो चुका था कुछ कारण के वजह से। आपने तो कस्टमर को बोले होगा ना कि सीएनजी मुझे फिल करने के लिए बोल दिया था लेकिन तो भी वो बोले कि ठीक है चलेगा, तो उनको मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया और आड़गांव नाके पे एक सीएनजी पंप है वहां पे हम लोग फ्यूल भरते हैं ऐसे मैंने उनको बोला, तो बोले नहीं बिल्कुल भी नहीं अभी रिटर्न हम लोग को नासिक नहीं जाना है,
हम जाएंगे तो बॉम्बे ही जाएंगे, अगर आपका प्रॉब्लम है आप कुछ भी करो, यहाँ पे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और बुकिंग सिर्फ थी 3,500 के, 3,500 में उन्होंने कहा कि आप 1,000 रुपए का पेट्रोल डाल दो और बाकी का जो भी बचेगा वो आप रख लेना। मैंने बोला सर 1,000 रुपए में गाड़ी नहीं जाएगी बॉम्बे तक, क्योंकि 1,500 या 2,000 तक तो पेट्रोल लग ही जाएगा, वो CNG नहीं है कि 500 की डाली तो चलो बॉम्बे तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने तभी भी मेरी बात बिल्कुल भी अनसुनी कर दी और बोला नहीं आपको तो आना ही आना है। तो भी मैंने बोला ठीक है, जो भी बचा नहीं बचा ठीक है, हम वैसे ऑन द वे थे, मैंने ऐसे सोच ही लिया था कि चलो बुकिंग मिला कुछ बचा तो भी ठीक है, नहीं बचा तो भी ठीक है। तो भी वो कस्टमर माने नहीं, मैंने पेट्रोल भर के 2,000 का पेट्रोल भरा, फिर से उनको लेके गई। उनका बुकिंग थाना का था, थाना में उन्होंने नहीं रुका, कुर्ला स्टेशन के पास उनका घर था, वहां से भी थाना से कुर्ला 20 किलोमीटर है, तो उतना डिस्टेंस भी उनका बढ़ गया, उनका बिल हो गया 4,000। तो भी उन्होंने वो पैसे दिए नहीं, जितना उनका बिल था उतना ही उन्होंने पैसे दिए। और तो ओला के डिवाइस में तो दिखा रहेगा ना, जो आपका बिल तो ओला के डिवाइस में दिखा रहेगा। मैंने भी दिखाया, कस्टमर केयर को भी कॉल लगाया। तो आईडी क्यों बंद हो गया फिर? आईडी के कस्टमर ने कंप्लेंट किया था। हाँ, उन्होंने ईमेल डाल दिया कि आपके कस्टमर का व्यवहार अच्छा नहीं। तो सोचो मतलब कस्टमर को कितना टाइम है एक ड्राइवर के ऊपर मेल करके उसके हाँ, बारे में कंप्लेंट करने का। कंप्लेंट कर दी। अच्छा। और फिर से मैंने बहुत बार मैंने ओला ऑफिस में वहाँ पे भी बहुत बार गई, फिर से कस्टमर हम लोग ने भी खुद एक बार लगभग आधा पौना घंटा एक घंटा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा शायद ओला की कंपनी साउथ की कंपनी जो हाँ। मतलब जिसका जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर में, तो मेरा और ताई से जब बातचीत चालू होता तो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके मैंने, क्योंकि जब भी आपके आईडी बंद होती है ना तो आपके आईडी से आपका कॉल नहीं लगता है कंपनी को, तो मैंने कॉल लगाया था विद्या ताई कॉन्फ्रेंस में थे गाइस, लगभग आधे से एक घंटे के ऊपर हम लोग ने वहां पे बात किया। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं और ना ताई की, हाँ तो लेकिन उन्होंने मतलब टोटल मतलब जब भी हम कॉल करते हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा तमिल कन्नड़ तेलुगु इंग्लिश, बस ये चार ही लैंग्वेजेस के आप बात कर सकते नहीं, हिंदी था ही ना, हम लोग से तो बात हुआ ही नहीं लिटरली। फिर एक घंटे के बाद मैंने वो कॉल को कट कर दिया। फिर ताई फिर जो मुंबई के अंदर जो वडाला के अंदर ओला का जो ऑफिस है वहां पे मेरे ख्याल से लगभग 10 से 12 दिन 20 दिन तक मेरी आईडी बंद थी। फिर मैं फिर से उस कस्टमर को फोन किया, रिक्वेस्ट की, बहुत अच्छा कस्टमर को आपने कॉल किया। हाँ, फिर से उनको ही मैंने फोन किया, सर मेरी जो भी गलती हो गई हो भी मुझे माफ कर दो। अच्छा, मतलब आपको ओला की तरफ से डायरेक्टली चालू नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर से उन कस्टमरों ने फिर ईमेल भेजा, तभी मेरी आईडी चालू। अरे बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं। कस्टमर को मुझे बताना पड़ा, कस्में देनी पड़ी अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, तभी कहा जाके वो कस्टमर भी एग्री हुए और उन्होंने फिर से कोई तो ईमेल डाल दिया और 24 घंटे के बाद मेरा फिर से आईडी चालू हो गया। मतलब अपनी गलती ना होने के बावजूद भी हमें उनके सामने गिरना पड़ा, अपने बच्चों की कसम वहाँ पे देना पड़ा, देनी पड़ी। बहुत बार मैंने उनको मतलब ऐसा लगता है कि ओला की नजर में हम लोगों की वैल्यू नहीं है, कुछ काम का नहीं है। कोई भी है ड्राइवर को कुछ वैल्यू नहीं देता है, ना ही कस्टमर देते हैं। वो ड्राइवर इंसान नहीं, उनको लगता है कि 500 रुपए में पूरी गाड़ी पूरा इंसान खरीदी कर लिया है। जब तक बुकिंग है तब तक इन लोगों को परेशान करते हैं। 12-20 दिन सोचो आप कि मतलब ड्राइवर कंटिन्यू आज इतने सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि ना उस पैसेंजर को रहम आया या कुछ, ना ही ओला वालों को आया। चलो ओला तो बात की बात है, लेकिन आपके साथ में जो सफर किया लगभग 3-4-5 घंटे जो भी था, जो पैसेंजर था, जो पर्सन था, उनको भी कहीं ना कहीं ये नहीं चीज पता चला कि भाई एक औरत है, एक लेडीज है जो अपना घर वो बैठे रहते हैं तब तक बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मैम अपना इतना आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो। लेकिन सच में लोगों के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। जब बिल का टाइम आता है तो उनको ऐसे लगता है पता नहीं उनकी कौन सी प्रॉपर्टी लूट ली है कि इतना रिएक्ट होते हैं। ऐसे पता नहीं 5-star होटलों में जाऊंगे तो 500-500 रुपए टिप दे देते हैं लोगों को, लेकिन किसी ड्राइवर को 10 रुपए 2 रुपए भी ज्यादा देने के लिए उनकी ऐसे लगता है जान निकल गई। तो अभी दूसरा ये पूछना चाहूंगा कि इतना मगजमारी करके आपको कैसा लगता है कि हम लोग जहाँ पे काम करें क्या हम वहाँ पे खुश है? और मतलब हमारी गलती ना होने के बावजूद भी ओला या उबेर कंपनी ड्राइवर की नहीं सुनती, ज्यादा जो कि प्रेफर पैसेंजर को ही देती है और पैसेंजर का ही सुनती है। जी, एक पैसेंजर थोड़ा
थोड़ा भी उन्होंने एक पॉइंट कम दे कर दिया या फिर एक ईमेल कर दिया तो वो ड्राइवर के कुछ वैल्यू नहीं रहती, उसका पूरा वो दिन खराब हो जाता है, वो पूरा एक हफ्ता एक महीना आप तो लगभग 20 दिन घर पे ही थे, मतलब 20 दिन मतलब एक ही बोलूं ना मैं, एक छोटी सी मतलब आपकी गलती भी नहीं, तो नहीं। मान अगर समझो अगर आपकी छोटी सी गलती में अगर मान भी लेता हूँ तो भी अगर समझो आप पर डे का आपकी गाड़ी एक्सेल एसयूवी आर्टिका अगर मैं दिन का 2000 भी अगर मैं पकड़ूंगा तो 20 दिन का आपने छोटी सी गलती का 40,000 आपने खुद का नुकसान, कस्टमर की गलती का सबका 40,000 का नुकसान हो गया, आपकी कोई गलती नहीं थी तो भी आपका 40,000 लगा कि मैं खाली जाना चाहिए था, मुझे बुकिंग नहीं लेनी चाहिए थी, ऐसे भी तो मैं खाली आ रही थी तो वो अच्छा होता कि मैं अगर खाली आती तो दूसरे दिन से स्टार्ट करती तो मेरा बिजनेस भी अच्छा होता और ऐसे पैसेंजर भी मिलना, वो पता नहीं रहता है आगे क्या होने वाला। तो आपको अभी इससे क्या सीख मिली, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपने लोगों के साथ भी शेयर कर, क्योंकि हर चीज लाइफ में कुछ ना कुछ नया होता है हम लोगों के साथ में, क्योंकि हम सुबह निकलते रात को होते हैं तो बहुत सारी सी चीजें जो आपका एक्सपीरियंस है जो हम लोग पूरा दिन काम करते हैं। तो आज मेरे पास एक सोशल मीडिया है यूट्यूब चैनल तो उसके ऊपर मैं अपनी बातें बताते रहता हूँ, ठीक। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों से, आप भी ओला उबर में काम कर रहे हैं, आपकी खुद की गाड़ी एक स्विफ्ट कार आप चलाते हैं, आउट स्टेशन करते हो, लोकल करते हो, तो जो हमारे व्यूअर्स है जो हमारे सब्सक्राइबर है जो हमारे ओला उबर में काम करते हैं आप उनके लिए क्या दोस्तों बोलना चाहोगे, मतलब ये गलती तो आपसे हो गई, क्या पता किसी और से भी ये गलती हो सकती है या किसी के साथ में गलती हो चुकी, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बस मैं यही बताना चाहूंगी कि उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग अपने ऊपर ले उन्होंने थोड़ा भी सोचा होता ना कि लेडीज है यार कि सच में एक 2000 के पेट्रोल में वो यहाँ तक लेके आई है, क्या बचा होगा उसको या नहीं बचा, बचा भी होगा या नहीं बचा होगा, उसमें ओला का कमीशन देना है, उसका 2000 पेट्रोल गया, टोल गया, पता नहीं और कितने सारे खर्चे रहते हैं अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। तो उन्होंने ये सब नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि इनको पेट्रोल डाल के लेके आना पड़ा, तो वो पैसा तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन बस क्यों पेट्रोल क्यों डाला, सीएनजी नहीं मिला। ये सब गलती मेरी नहीं थी, वो पंप वालों को मैंने थोड़ी ना बोला बंद करके बैठ जाओ, लेकिन मैं आपको पेट्रोल डाल के लेके तो आई हूँ ना, आप ये वाला सोचो ना, तो आपको कंप्लेंट डालने की जरूरत, कहीं ना कहीं इंसानियत मर गई, मर गई है, सच में मर गई है, लोगों में इंसानियत बची ही नहीं है। किसी को आप अच्छा बताने जा रहा हूँ तो मैंने बताया भी कि सर अगर आप रुकते हो थोड़ा देर, मैं 2 मिनट में सीएनजी भर के आती हूँ, आपका भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी 2 पैसा बच जाएगा। नहीं नहीं हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपका प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो। तो प्लीज मेरे जो ड्राइवर भाई है उनके लिए मैं बताऊंगी, बहुत ही संयम से हमें हर एक चीज लेनी पड़ती है, वो ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक हवलदार के साथ में हो, पैसेंजर के साथ में हो, आपको इस फील्ड में सर के ऊपर बोलते ना, मैं कई बार मेरे वीडियो में मैंने कहा जब आप घर से निकलते ना आपको कितना भी गुस्सा होगा या जो भी मन में चिड़चिड़ा होगा वो आपको घर पे ही रख के निकलते। अभी देखो हम लोग रोड पे घूमते तकलीफ तो हमको बहुत होती है, लोगों को ऐसे इजीली लगता है कि गाड़ी लेके निकले 2-3 ट्रिप वाले 2000 रुपये मिल गए, तो 2000 कमाने के लिए हमको कभी भी पूरा दिन और कभी भी पूरी रात निकालना पड़ता है, तब जाके 2000 रुपये आते हैं, ठीक। और ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो ताई के साथ में एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था लास्ट टाइम की वीडियो में कि विद्या ताई कहाँ पे गए, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले भी कमेंट आया भाई का कि विद्या ताई के साथ में वीडियो बनाओ करके, तो मैंने बोला ठीक है, और नसीब लकी आज ताई से बात हो रहा था और मैं भी लकीली घर पर आ रहा था, ताई को मेरे जगह एक ट्रिप मिला था तो मैंने घर पर बुलाया। तो ये बोलना चाहूँगा कि बस कि कई मतलब अपनी गलती नहीं होने के बावजूद भी कभी कभी हमको दिमाग, हाँ सदा मिलती, तो इसके लिए मतलब अपना दिमाग जितना ठंडा रख के काम करो, क्योंकि देखो पैसेंजर जो भी आपकी गाड़ी में बैठता वो 1 या 2 या 3 घंटे का मेहमान होता है, बट अपनी कोई भी गलती नहीं होने के बावजूद आज की डेट में ना कस्टमर को इतना दिमाग है ना कि हमारी कैसे किससे किसी बैंड बज रहे ना उनको अच्छी तरह से पता रहता है, और कंपनी हमारे बारे में कभी नहीं सोचती, ठीक है। अगर गलती से एक आप जो आप कस्टमर के एक मेल से आपका 20 दिन की आईडी बंद होगी, उनको बाद में मैंने इतना रिक्वेस्ट किया सर, तब जाकर चालू हो गया, तो फिर से एक ईमेल डाल दिया, मुझे स्क्रीनशॉट डाला, मैम प्लीज आप परेशान मत होइए, मैंने वो स्क्रीनशॉट डाल दिया, मैंने उनको भी बताया अगर आप मेरी जगह पे होते आपकी भी गाड़ी है, आपकी डीजल गाड़ी 2000 में नहीं बॉम्बे में जा सकती, तो मेरी पेट्रोल गाड़ी 2000 में कैसे जाएगी, तो वो सीएनजी नहीं मिला वो मेरा फॉल्ट नहीं था, तो भी मैं आपको पेट्रोल डाल के लेके गई, तो भी उनको कुछ परवाह नहीं था, कुछ नहीं था। जितने भी अपने जो भाई गाड़ी चलाते जितने रोड पे काम कर रहे हैं बहुत सारे अपने जो व्यूअर्स है, और इसके अंदर बहुत सारे हमारे जो ऐसे हैं जो
पैसेंजर भी है जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी हमारी गाड़ी बुक करते हो तो यही समझ जो थोड़ी सी इंसानियत दिखा दीजिए, क्योंकि हम लोग भी दिन भर थकते हैं, ट्रैफिक से हर चीज से परेशान हम लोग भी होते हैं। बेटा है वो इंसान है और आप भी इंसान हो, थोड़ी सी इंसानियत दिखाने के बाद मुझे लगता नहीं कि ऐसे प्रॉब्लम हर किसी को फेस करने पड़ेंगे। और जैसे ही भाई यूट्यूब चैनल चला रहे, वैसे भी एक छोटा भी छोटा सा यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया है। विद्याताई ने भी आज विद्याताई का थोड़ा काम भी था, तो विद्याताई का भी YouTube चैनल अभी ओपन हो गया, उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विद्या दे आपको फैमिली ब्लॉग भी दिखाएंगे और विद्या दे का मराठी ब्लॉग होगा। बहुत सारे से जो हमारे भाई जो मराठी अपने सब्सक्राइबर है, तो विद्या दे का फैमिली और रेगुलर लाइफ और जो भी विद्या दे अपने वीडियो में दिखाएंगे, तो उसका मैं लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो उनको भी सपोर्ट करते हैं सब्सक्राइबर है। तो मराठी ब्लॉग विद्या दे इससे एकदम परफेक्टली होगा और उनको एकदम मराठी में ब्लॉग एकदम आपको भी मजा आएगा, ठीक है। घर का देख के बच्चे हस्बैंड फैमिली पति सबको देख के घर चला के डेली ब्लॉग में दिखाएंगे। डेली ब्लॉग करना कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो ताई को थोड़ा तकलीफ होगा, बट अभी मैंने ताई को समझा दिया, स्टार्टिंग में थोड़े दिनों तकलीफ होगा बट बाद में फिर विद्या देवी कंटिन्यू हो जाएगी। तो चैनल का लिंक डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको सपोर्ट करना, विद्या देवी को फुल सपोर्ट करना। मराठी ची महाराष्ट्र वाक्य अपनी ताई पुढ़े थे तो पूर्णपणे एकदम ताकतीने ताईला सपोर्ट करा। आणि बस ताई एवढंच, तुम्ही आमच्या घरी आले त्याच्याबद्दल मनापासून तुमचे ये है अपनी सोशल मीडिया की और ये हमारी फैमिली, मतलब हम लोग जरूरी नहीं हम लोग हम सब्सक्राइबर है या ड्राइवर भी कुछ, हम अपने फैमिली की जैसे मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ, तो यही ऐसे ही प्यार ऐसे ही सपोर्ट मेरे पे बनाए रखना, बस यही आज की वीडियो में बोलूंगा और आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। विद्या देवी से बहुत दिन के बाद आप लोगों की ख्वाहिश थी कि विद्या देवी के साथ मैं वीडियो बनाऊँ, और वीडियो बनाने का टाइम रात के 1:15 बज रहे, वीडियो को शूट कर रहे, कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और विद्या देवी को भी सपोर्ट करना। मिलते हैं गाइस कल एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। डोंट यू डेयर से दैट आई वांटेड एवरीथिंग टू फॉल अपार्ट व्हेन इट्स हार्ड टू मी cuz my only crime was hoping there is something